सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आप सबको अवगत कराना चाहेंगे, दीपा गुप्ता बहन हैं और संभल जिले से आती हैं, जिन्होंने अवगत कराया है कि 2 जुलाई को 9 राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को दिल्ली जो है विज्ञान भवन पर बुलाया गया था और केंद्रीय बाल विकास पुष्टाहार मंत्री स्मृति ईरानी जी ने गोष्ठी का आयोजन किया था। तो आइए देखते हैं कि 2 जुलाई को आपकी केंद्रीय बाल विकास पुष्टाहार मंत्री के द्वारा की गई गोष्ठी में 9 राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें पहुंची थीं जिनको बुलाया था। अब ऐसे में उस गोष्ठी में क्या हुआ था, उसके हमारे पास 2 वीडियो आए हैं जिसको हम इसी वीडियो में आप सबको दिखाएंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्यों, क्योंकि अभी कुछ और भी जानकारियां हैं, उनको भी आप तक पहले पहुंचा देते हैं, उसके बाद वो गोष्ठी के वीडियो भी इसी वीडियो में लास्ट में आप लोगों के लिए मैं प्ले कर दूंगा। अभी आप देखिएगा, ये बहनें थीं जो कि गोष्ठी में सब पहुंची थीं, और इनके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि अगली जो जानकारी है वो कुसुम बहन आती हैं मऊ जिले से, जिन्होंने भेजी हैं, उनके वहां पर उन्होंने गुमशुदा की तलाश का एक ये आर्टिकल भेजा है। अब ऐसे में एक ये लड़की है, गुमशुदा का नाम है आराधना कुमारी, पति का नाम इनके है राहुल उर्फ सुबेदार, ग्राम इनका है दामोदरपुर, पोस्ट इनका है लदीहा, थाना है दुल्हापुर, जिला है गाजीपुर, और आप देख सकते हैं उम्र इनकी 20 साल है, यानी 20 साल उम्र है, शादी हो चुकी है, और ऐसे में बताया जा रहा है कि ये गुमशुदा हैं। अब इसमें लिखा गया है किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर संपर्क करें, पुलिस अधीक्षक का सामने नंबर दिया है, सीओ जो है उनका नंबर दिया है, थाना अध्यक्ष का जो है नंबर दिया है, तो जिसको भी अगर इनका कोई पता चले तो इनके घर में आप अवगत करा सकते हैं। वहीं इसमें देखिएगा, हमारा कर्तव्य था, मैंने दिखा दिया, लेकिन इनकी तलाश ऑल इंडिया के थ्रू जो है हो पाना संभव नहीं है, इनकी तलाश थाने से ही अगर पुलिस विभाग करेगा तो जल्दी पता चलेगा। कई रीजन होते हैं, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि यही कड़वा सत्य है। अब इसके अलावा चलते आगे, क्योंकि देखो जो खो जाएगा, जो पता, छोटा कोई बच्चा हो खो जाए तो बात अलग है, उसके मिलने के चांस होते हैं, लेकिन ऐसे शादीशुदा लोग, 20 साल के बाद वाले लोग अगर ये खो जाते हैं तो मिलने की संभावनाएं कम होती है, क्योंकि देखो अब जो कोई वैसे खोएगा तो वो तो भैया आ जाएगा, समझ रहे ना, वो तो फिर जो है कहीं किसी न किसी तरीके से तो पहुंच ही जाएगा, सबको अपना इतना तो पता सब होता ही है। फिलहाल जो है सो है। कुसुम बहन है, मऊ से आती हैं, उन्होंने कहा है कि इन्हें ढूंढने में मेरी मदद करें, तो अपनी आंगनबाड़ी बहन ने जो है कहा है, इसलिए जो है ऑल इंडिया इन चीज़ों को चैनल पर दिखा रहा है। इन्होंने ये भी कहा, ये मेरे भाई की लड़की है, तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द मिल जाएं, थोड़ा पुलिस विभाग पर जोर ज़्यादा दीजिएगा, वहाँ से अगर ढूंढा जाएगा तो जल्दी पता चल जाएगा। अमिताभ मिश्रा जी हैं उन्नाव से, उन्होंने उन्नाव से अपने यहाँ से एक जानकारी भेजी है, उन्होंने कहा है कि आज हमारी प्रिय उदार हृदय मिलनसार कर्मठ न्यायप्रिय मातुल्य, इतनी जो है उपाधियां उनको दी हैं श्री डीपीओ महोदय को, अपनी श्रीमती बीना मिश्रा जी को जो कि सेवानिवृत्त हो गई हैं, मैडम से आशीर्वाद की कामना है। तो इस तरीके से ये अमिता मिश्रा और आस उन्नाव से आती हैं और अपने श्री डीपीओ मैडम के विदाई समारोह को लेकर के जानकारी भेजी है। वहीं दूसरी तरफ एक ये बहन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजू वर्मा, और ये इनका जिला जो पड़ता है धार यानी मध्य प्रदेश, जहां पर उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को यानी कल जून महीने का 10,000 रुपया मानदेय आ गया है, तो धार जिले में भी कल एमपी के पैसा पहुंच गया है, यूपी में ही अभी कोई अता पता नजर नहीं आता। विभाग से ऑल इंडिया ने आवाज लगाई थी कि जितनी जल्दी संभव हो सके बहनों के खातों में पैसे लगाने शुरू किए जाएं। आगे देखिएगा, यहाँ पर शिवराज कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी उन्होंने यहाँ पर साझा किए हैं, जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बढ़ा हुआ मानदेय, जिस बात का जिक्र है 13,000 रुपये, वो सब बाकी देखिएगा।
एमपी में कई आर्टिकल वायरल हो रहे हैं और लेटरों में एडिट करके भी चीजें वायरल की जा रही हैं। 750 को एडिट करके 1500 करके बहनों को गुमराह जैसा भी किया जा रहा है, जबकि विभाग ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई संशोधन नहीं किया 750 से 1500 जैसा। तो अब जो भी हो, विभाग संशोधन के लिए अगर करता भी है तो संशोधित नया पूरा आदेश निकलना चाहिए। जो 750 से 1500 वाला जो एडिट किया हुआ आदेश घूम रहा है उस पर आप लोग जो है ज्यादा ध्यान ना दें। राधा बहन है, मध्य प्रदेश से आती हैं और मैं आपको बता दूं कि एमपी में राज्य शिक्षा केंद्र से एक लेटर 28 जून को निकला था और इसकी प्रतियां सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजी गई थी। तो मध्य प्रदेश भोपाल के लिए के लेटर है, जहां पर मैं आपको बता दूं निदेशालय से के लेटर आया है आंगनबाड़ी बहनों आप सबके प्री प्राइमरी वाले प्रशिक्षण के संबंध में। प्रदेश की समस्त कोलोकेटेड यानी जो जिनका आंगनबाड़ी सेंटर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में बना हो उनको कोलोकेटेड आंगनबाड़ी बोलते हैं। तो ऐसे में वहां की कार्यकर्ता के ECCE पर प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर का उन्मुखीकरण व प्रशिक्षण। तो अभी जिलों के मध्य प्रदेश में जो मास्टर ट्रेनर हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों आप सबके ECCE पर जो प्रशिक्षण देंगे, तो उन मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण होना है और वो जिलों का आप यहां पर देख सकते हैं कौन सी तारीख में कौन से जिलों का ट्रेनिंग लगा है। 3 से 4 जुलाई में लगा था राजगढ़, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सीधी, मुरैना, मंडला और हरदा, ये जिलों के नाम हैं एमपी के। 5 से 6 जुलाई यानी आज 5 जुलाई और कल 6 जुलाई, ये 2 दिन में होगा गुना जिला, सिवनी, मंदसौर, बालाघाट, सतना और जबलपुर, इन जिलों में आज और कल में प्रशिक्षण होगा। वहीं 7 से 8 जुलाई यानी 7 जुलाई और 8 जुलाई को भिंड जिला, अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, खरगोन, धार, अनूपपुर और उमरिया, इन जिलों में होगा 7 से 8 जुलाई में। इस तरीके से प्रशिक्षण की तिथियां दे दी गई हैं और विभाग ने अवगत कराया कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ECCE आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। पूर्व में उक्त प्रशिक्षण 13 फरवरी 2023 से प्रारंभ हुआ था, परंतु कतिपय कारणों से प्रारंभिक शिक्षण को यानी कतिपय कारणों से प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया था और प्रत्येक विकास खंड में स्थित को लोकेटेड यानी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी एक ही परिसर में जहां हो, आंगनबाड़ी की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मास्टर ट्रेनर की संख्या का पुनः निर्धारण किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर की संख्या को कम अधिक हुई। अतः पत्र में संलग्न परिशिष्ट 1-2 को ध्यान में रखते हुए मास्टर ट्रेनर को चिन्हित करके निर्धारित तिथियों में प्रशिक्षण हेतु भेजना सुनिश्चित कर लें और परिशिष्ट 1 और 2 के अनुसार मास्टर ट्रेनर को निर्धारित तिथियों में प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति कराने का कष्ट करें। परिशिष्ट 1 में क्या लिखा गया है कि उन जिलों की जानकारी दी गई जिनका 6 दिवसीय प्रशिक्षण होना है। परिशिष्ट 2 में उन जिलों की जानकारी दी गई जिनका 2 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण होना है। उल्लेखनीय है कि विभागीय निर्णय के अनुसार 21 जिलों के वे मास्टर ट्रेनर जिन्होंने फरवरी मार्च में 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, वे केवल 2 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो ये जो जिले आपने देखे हैं 2-2 दिन के जिनके प्रशिक्षण लगे हैं, इन सभी जिलों में इन्होंने दरअसल फरवरी मार्च में अपना प्रशिक्षण कंप्लीट किया था 6 दिन का, इसीलिए अब इनका केवल 2 दिन का रिफ्रेशर प्रशिक्षण हो रहा है। समझ लीजिएगा एक तरह से इनका रिवीजन टाइप का कराया जा रहा है, ऐसे आप कम शब्दों में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आगे ले चलते हैं और भी कुछ आप लोगों को बताते हैं। अब आपको हम उस गोष्ठी के वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपकी केंद्रीय बाल विकास पुष्टाहार मंत्री स्मृति ईरानी उन्होंने गोष्ठी का आयोजन किया था। ये वही मंत्री जी हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में बोला था कि आप आंगनबाड़ी केवल 1 घंटे ही कार्य करती हैं। तो आइए देखते हैं वो गोष्ठी में वहां पर क्या क्या उन्होंने बोला और क्या क्या गोष्ठी में वहां पर हुआ। सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदरणीय दिवर पांडे जी, NCPCR के प्रमुख आदरणीय प्रियंका नंगू जी, आज मेरा सौभाग्य है कि आप सबके संग हॉल नंबर 4, 5 और 6 में जब कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से
हमारे CWC, JJB, CCI और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामीण अंचल में बच्चों के संरक्षण के लिए समर्पित सभी महानुभाव लगभग 2,200 के करीब लोग पधारे हैं। उन सबका आज मैं विशेष अभिनंदन करती हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए आपको आभार व्यक्त करती हूँ। आज एक भावुक माँ ने इस सभागार को संबोधित करते हुए आभार व्यक्त किया उन लोगों का जिनका उनके साथ कोई परिचय नहीं है। आरती जी, यू हैव आवर प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड फॉर यू रिकॉग्नाइज द हार्ड वर्क ऑफ द अनसंग हीरोज इन चाइल्ड प्रोटेक्शन हु आर गैदर्ड हियर टुडे फ्रॉम 9 स्टेट्स। तीनों माता पिता जिन्होंने आज अपने उद्बोधन में हम सबको बतलाया कि एक बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में उनका क्या अनुभव रहा, वो कारा को नमन कर रहे थे। लेकिन मैं तीनों से कहना चाहती हूँ कि अगर आभार व्यक्त करना है तो इस सभागार में और सभागार 4, 5, 6 में जितने हम सब जो कार्यरत हैं बच्चों के संरक्षण के लिए, हम अगर आभार व्यक्त करें तो आप जैसे माता पिताओं का करना चाहते हैं जो उनको अपना जो एक घर एक परिवार की तलाश में होते हैं। समरजीत साहब ने आज एक पिता की उस व्यथा को व्यक्त किया कि अगर एक परिवार ये निर्णय लेता है कि हम बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो क्या उस परिवार को मजबूर किया जाए कि वो कोर्ट में जाकर ऐसे लोगों के साथ खड़ा हो लाइन में जो संदिग्ध अपराधी हैं। ऐसे ही कई माता पिता जब मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से किया गया, लेकिन अक्सर महिलाओं की विशेषता ये फितरत होती है कि अब आए हैं तो लेते जाइएगा, दो दिन बाद सब अलर्ट हो गए, सचेत हो गए, क्या हो गया, पांडे जी हो गए चिंतित, क्या बोल देंगे, फिर मुझे बजट ढूंढना पड़ेगा। कितने CWC हैं जिनका ऑफिस नहीं है, जितने CWCs का ऑफिस नहीं है आपके ऑफिस की व्यवस्था भारत सरकार प्रदेश सरकार के साथ मिलकर करवा दी। सब सोच रहे हैं और क्या बोले, हमारे जो विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी में कितने यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं ग्रामीण अंचल से, आपसे विशेष आग्रह है। कई बार विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी की ये दिक्कत रहती है कि अगर बच्चा हम चिन्हित भी कर लें तो उसको मदद कैसे पहुंचाए। तो आज मैं ये घोषित करना चाहती हूँ कि जो विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, आप अपने अपने गांव में उन बच्चों की लिस्ट बनाइए जिनको भारत सरकार के संरक्षण पैसे सहयोग की ज़रूरत है। NCPCR और भारत सरकार के माध्यम से उन सभी बच्चों की व्यवस्था भारत सरकार की कोर्ट से हम लोग करेंगे। बॉर्डर इलाकों में मेरा एक विशेष निवेदन है, हमने देखा है कि ट्रैफिक्ड बच्चे बॉर्डर के इलाकों में विशेषतर लड़कियां उनकी व्यवस्था करने की जरूरत है। CWC से, DCPU से, JDB से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अगर अपने इलाके में कोई फिट फैसिलिटी चाहते हैं जिसके अंतर्गत जो ट्रैफिक लड़कियां हैं उनका संरक्षण हो सके, उनको रहने की व्यवस्था हम कर सके, तो आप ऐसा प्रपोजल देकर हमको
अनुग्रहित करें। सेक्रेटरी पांडे साहब ने संकल्प किया है कि निर्भया फंड से बॉर्डर के विशेष इलाके में जहाँ जहाँ आपको लगता है भारी संख्या में लड़कियों की ट्रैफिकिंग हो रही है, वहाँ पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारत सरकार से 100% का सहयोग देंगे।